गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज बहुत टाइम बाद एक कुकिंग रेसिपी के साथ मैंने सोचा कि मैं कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँ। तो जी कस्टर्ड बनाने के लिए हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए, उसके अलावा मिल्क चाहिए। मैं मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप लोग दूसरा दूध भी यूज़ कर सकते हैं या कोई, और उसके अलावा साथ चीनी। सो स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन में मैं दूध ले चुकी हूँ, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3-4 टेबल स्पून शुगर, या फिर आप लोगों को जितनी ज़रूरत महसूस हो उतनी ऐड कर लें, और इसे बॉईल आने तक मिक्स होने देंगे इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड। दूध बॉईल हो रहा है, अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। सो कस्टर्ड पाउडर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 1 कप इसके अंदर पानी, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी और कलर का भी कर सकते हैं। और इसके लिए ख़ास टिप आप लोगों को बताती जाऊँगा साथ में, कि अगर आप लोगों ने इसे डिसॉल्व करना है तो या तो फिर ठंडे दूध में, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो दूध पड़ा हुआ है उसके अंदर मिक्स करें, या फिर रूम टेम्परेचर पानी में। मैंने जब पहली बार बनाया था तो मैंने गर्म दूध के अंदर इसे मिक्स कर दिया था पाउडर को, तो गर्म दूध में मिक्स करने की वजह से उसके अंदर गुठलियाँ बन गई थी, एंड इट वॉज़ अ रियली बैड एक्सपीरियंस। तो फिर दूध के अंदर डालने के बाद गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं डिसॉल्व हो रही थी, तो जाहिर सी बात है वो मेरा ख़राब बना। तो इस वजह से गुठलियों के बगैर बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पे पानी, या रूम टेम्परेचर पे जो दूध हो उसके अंदर मिक्स करें। मैंने पानी के अंदर इसे मिक्स किया और अब इसे ऐड करूँगी उस पॉट के लिए। जो था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, अब इसे मिक्स करके देखती हूँ, अगर इसका कलर पिंक हुआ तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं थोड़ा सा और इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। मुझे लगता है शायद उसकी ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं दोबारा से वो मिक्सचर बनाती हूँ और दोबारा से इसके अंदर डालूँगी। दोबारा से जो मिक्सचर बनाया अब इसके अंदर दोबारा ऐड करती हूँ और फिर देखती हूँ क्या होता है। जो चाहिए था वो आ चुका है, इसका कलर पिंक हो चुका है, मगर कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो रहा। तो अब ये थोड़ी देर के लिए बॉईल होगा, और जब बॉईल होकर ये थोड़ा सा थिक होना शुरू होगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और हमारा कस्टर्ड तैयार होगा। हमारा कस्टर्ड तैयार है बिल्कुल, और कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, बिल्कुल आम से विद इन आप लोगों के 100 रुपीज़ के जी आप लोगों का कस्टर्ड तैयार है। अब हम लोग इसे सर्व करने के लिए जी क्या करेंगे, एक बाउल लिया और इसके अंदर वन पर्सन के लिए जो सर्विंग थी उसके लिए मैंने इसके अंदर फ्रूट केक डाला, और अब ये जो कस्टर्ड था स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार है जी। इसे सर्व करें और मज़े से इंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।